आखिर अमीर लोग अपने फोन के पीछे बैक कवर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और भारतीय जेलों का एक ऐसा सीक्रेट जिसे सुनने के बाद आप भी जेल जाने के पीछे बावले हुए फिरेंगे। खाओ मां कसम। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि सिर्फ एक सिंपल सा फ्रूट ट्रेन में ले जाने पर हम लोगों को जेल कैसे हो सकती है? तो हाय गाइज, मैं हूँ आकाश, और चलिए इस वीडियो को भी बना डालते हैं। गाइज, इस वीडियो के खत्म होने के बाद खींच डालो सबके ईयर, चाहे उनके फेफड़ों से निकल जाए टीयर। हाँ, बस पेरेंट्स की मत खींचना, वरना जिंदगी खींचनी भारी पड़ जाएगी। असल में गाइज, हमारे देश भारत में शुरुआती दौर से ही हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर बच्चों के कान खींचने के पीछे ठीक वैसे ही एक्साइटेड रहते हैं जैसे DDLJ मूवी में शाहरुख भाई चलती ट्रेन में काजोल को खींचने के लिए थे। बस वो तो शुक्र है कि काजोल के खसम उस समय रेलवे स्टेशन पर खैनी रगड़ कर उसे केसरिया पोतने में व्यस्त थे, वरना बवाल हो जाता। और बचे क्या गया है करने के लिए? असल में गाइस, अभी हाल ही में एक चाइनीज डॉक्टर ली चुआंग हुआंग ने अपनी रिसर्च से क्लियर किया है कि हमारे कान का स्ट्रक्चर मदर के वूम में पल रहे बच्चे के उल्टे स्ट्रक्चर के समान होता है, और इसलिए अगर किसी भी इंसान को पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो वो अपने कान के मिडिल हिस्से को दबाकर उसे ठीक कर सकता है। ठीक उसी तरीके से कान के निचले हिस्से को प्रेस करके आप ब्रेन रिलेटेड, जबकि कान के ऊपरी हिस्से को प्रेस करके आप अपने पैरों से रिलेटेड बीमारी को सही कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रिसर्च इतनी ज्यादा सही प्रूफ हुई है कि इस मेथड को प्रेजेंटेड में ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी या फिर ऑरिकुलोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, शुरू कर दो आज से ही सबके कान खींचना, लगाकर ग्रीस और बन जाओ रोहित से कतई उछलते हुए। गाइस, एक वो दौर था जब हम इंडियंस चिपको आंदोलन की आड़ में हर एक पेड़ से ठीक वैसे ही चिपकते हुए चले जा रहे थे जैसे आजकल धनश्री भाभी चहल को छोड़कर हर दूसरे लड़के के साथ चिपकी हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में अगर आपने कर दिया किसी भी पेड़ को आलिंगन तो आपके चबूतरों को खोलकर डाल दी जाएगी उसमें 1500 रुपए की गिलगिली चिंगम। असल में गाइस, ये उच्च कोटि का चिरांदिया काम हो रहा है भारत के बेंगलुरु में, जहां के कब्बन पार्क में एक स्टार्टअप ने एक ऐसी नई एक्टिविटी को भी शामिल किया है जिसके तहत अगर आप इस स्टार्टअप को 1500 रुपए की टिकट पे करते हैं तो आप अलग अलग पेड़ों को हक करने के साथ साथ उनके साथ अलग अलग फन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक मिनट, अब ये पेड़ों के साथ कौन सी फन एक्टिविटी होती है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस स्टार्टअप का ये कहना है कि अगर आप सुबह सुबह पेड़ों को हक करते हैं या फिर उनके साथ अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ में तो 100 वाट का एक गजब सा बल्ब भी जल जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार इंडिया में इस स्टार्टअप ने एक बेहद ही अजीब से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। नहीं महाराज, थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब हो गया आपका, क्योंकि हम हिंदुस्तानी 1500 नहीं बल्कि 6000 खर्च करने में बिलीव रखते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे बिकट बावले लोग भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ही ऐसे फटे दूध जैसे कारनामे करते हैं कि जिनको देखकर हमारी रूह सिर्फ हमसे यही बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब इन्हीं चमकीली चिरांदों को सही रास्ते पर लाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली पुलिस ने? असल में गाइस, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 28 ऐसे लोगों को भी सड़क से घपचा लिया है जो कि इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ही आधी रात स्पाइक कटिंग करके लाली लिपस्टिक लगाकर बिना हेलमेट के सड़कों पर मोटरसाइकिल ही चला रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सभी पर IPC के द्वारा 279 के तहत एक्शन लेते हुए इन सभी को अरेस्ट करने के साथ साथ इनकी गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, ना बनाए सड़कों पर आधी रात बिना हेलमेट लगाए रील, वरना पुलिस निकाल देगी आपके संकरे रास्तों से मोटी मोटी पानी की झील। गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में अगर आपको भी चलानी है 2 वक्त की सुकून की रोटी तो आपको भी बेचनी पड़ सकती है बुजुर्गों को अपनी गर्मा गर्म ताजा जिंदा पोटी। असल में गाइस, आप जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में Gen Z जनरेशन अपने स्कूल कॉलेज या फिर पर्सनल लाइफ का खर्चा उठाने के लिए टाइम टू टाइम अपनी पोटी को बुजुर्ग लोगों को ही बेच देती है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर बुजुर्गों को इस पाउडर उड़ाऊ जनरेशन की पॉटी की जरूरत ही क्या है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत सी कंट्रीज में लोगों को CDIFF नाम की एक ऐसी घेली बीमारी भी हो रही है जिसमें हमारा शरीर किसी भी इन्फेक्शन को लेकर एक्सट्रीम रेस्पॉन्स करने लगता है, और एज अ रिजल्ट हमारे शरीर के ही गुड बैक्टीरिया खुद को ठीक वैसे ही इंजर्ड कर लेते हैं जैसे वर्ल्ड कप में पांड्या जी ने बॉल के सामने अपनी मखमली टांग को अड़ाकर खुद को कर लिया था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी का इलाज कुछ और नहीं बल्कि पॉटी ट्रांसप्लांट ही है, जिसके चलते हुए इस ट्रीटमेंट में Gen Z जनरेशन की फ्रेश पॉटी को उनकी बड़ी आंत से निकालकर बुजुर्ग लोगों की बड़ी आंत के अंदर डाल दिया जाता है, और एज अ रिजल्ट उस पॉटी में मौजूद कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया बुजुर्ग लोगों की बॉडी में मौजूद उन बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं जिनकी वजह से घेली बीमारी उन लोगों को हो जाती है। और इसलिए आप ये जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन ये जनरेशन सिर्फ 10 ग्राम की ही पॉटी को लगभग 99,000 रुपए में
बेच रही है। अबे इतने दाम में तो जिंदा गोल्ड आ जाएगा। गाइस इंडिया में बेरोजगारी ठीक वैसे ही फैलती हुई चली जा रही है जैसे आजकल दुबई में बारिश का पानी बोले तो कोने कोने में घुस रहा है। अब गाइस आप माने या फिर ना माने लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो कि इतना ज्यादा पुराना हो चुका है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कार्तिक भाई। अब गाइस भले ही दिनेश भाई काफी ज्यादा पुराने हो चुके हों लेकिन उनके जैन लंबे लंबे छक्के देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो विशेष जड़ी बूटी पीकर कतई जवान बने बैठे हैं। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जवान बनाने का बीड़ा उठाया है बेंगलुरु के एक गुरुकुल ने। असल में गाइस इस गुरुकुल के अंदर बच्चों को वही पुरानी टिपिकल एजुकेशन देने की बजाय उनकी स्किल को डेवलप करने के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर बच्चों को टाइम टू टाइम म्यूजिक पेंटिंग और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के बारे में भी समझाया और पढ़ाया जाता है। उससे भी ज्यादा गदर गदरीली बात यह है दोस्तों कि इस गुरुकुल में नॉर्मल स्कूल के कंपैरिजन में कोई भी ग्रेड सिस्टम मौजूद ही नहीं है क्योंकि इस गुरुकुल का मेन काम बच्चों के टैलेंट को देखकर उनके स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करके उन्हें अच्छे खासे लेवल तक टैलेंटेड बनाने का होता है ताकि आगे आने वाले समय में हमारे देश भारत में थाराबाई जोगिंदर और उर्फी जैसे लोगों की क्वांटिटी को कम किया जा सके। देख कैसा खुश हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ये गुरुकुल अच्छे खासे लेवल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है और अगर ऐसा ही होता हुआ चला गया तो नो डाउट आगे आने वाले समय में हर एक सिटी के अंदर हमें इन तरीके के गुरुकुल खुलते हुए तो जरूर नजर आएंगे। सच में दमदार। गाइस इंडिया में जेलों को बुरी और ससुराल को अच्छी जगह माना जाता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जिसे सुन आपके चबूतरे भी जरूर चटक जाएंगे क्योंकि भैया हिंदुस्तान में एक जेल के अंदर लोग पर खर्च ससुराल से भी कई ज्यादा किया जाता है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में आंध्र प्रदेश स्टेट में हर एक सिंगल कैदी पर एक साल में 2,11,000 रुपए खर्च किए गए थे यानी कि पर मंथ 17,583 रुपए। अबे इतनी तो हिंदुस्तान में बहुत से लोगों की सैलरी नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा स्टेट में 1,45,000, दिल्ली में 1,18,000 और इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में जेलों के अंदर एक कैदी पर पैसे की बारिश इतनी ज्यादा की जाती है जितना तो दीपक कलाल पर गालियों की नहीं होती। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भैया ये पैसा आता कहां से है। असल में गाइस इसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया है कि ये सारा पैसा कहीं और से नहीं बल्कि आपके और हमारे टैक्स का ही पैसा होता है। तो फिर अब ये सवाल तो आपके दिमाग में भी कद्दू की झाड़ की तरह जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई इस रकम को उस कैदी की प्रॉपर्टी या फिर उससे जेल के अंदर गधा मजदूरी बनाकर भी तो जनरेट किया जा सकता है तो फिर आखिर ऐसा शानदार चमकीला काम किया क्यों नहीं जाता। वेल गाइस सच बताऊं तो इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट कहीं भी मौजूद है ही नहीं तो मैं क्या आपको गुहियां बताऊं, बस टैक्स दिए चले जाओ। गाइस जहां एक तरफ पूरी दुनिया के लोग दिन दिहाड़े जब मार्केट में निकलते हैं तो वो अपना सीना तान कर निकलते हैं लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो चाइना के लोग तो प्रेजेंट डेट में सीना नहीं बल्कि अपना पिछवाड़ा ही तान कर निकल रहे हैं। अब क्या ये नई चीज फैला दी इन लोगों ने। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में चाइना इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े स्केल में मोटापे और स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार शी जिनपिंग ने ही जिनपिंग वाला काम करके दिखाया है बोले तो मर्दों वाला काम, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने देश के बहुत से स्टेट में एक नए नियम को पारित कर दिया है कि वहां पर मौजूद सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हर वीकेंड पर अपने एम्प्लॉइज को कुछ इस तरीके से लोलो डायल बनाकर ही भरे मार्केट में कम से कम 2 किलोमीटर की ऐसी भेरंट वॉक कराएं और अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी एम्प्लॉय नहीं बनता है इस तरीके से लोलो डायल तो खोल डालो उसके चबूतरे और निकाल डालो उसकी फाइल मतलब उसको सस्पेंड करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब से चाइना में इस ऊद बुलाओ से नियम को पारित किया गया है तब से इस कंट्री में स्पाइन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लो जी लो जैसे तैसे तो हम इवॉल्व होकर होमो सेपियन हुए थे, इस आदमी ने हमें ये लोल पता नहीं क्या अजीब सा ही बना दिया, नाम भी ना है मेरे पे तो इसका। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वोट देने के समय काली स्याही हमारी उंगली के साथ इतनी गहराई से चिपकती है जितनी गहराई से तो करण जौहर मेल बॉलीवुड स्टार्स से नहीं चिपकते। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर इस इंक में ऐसा होता ही क्या है कि इस बिकट बावली इंक को तो बंटी का साबुन भी रगड़ रगड़ कर छोड़ा नहीं पाता। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सबसे पहली बार साल 1962 में इस तरीके की इंक को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस इंक को बनाने के लिए सिल्वर नाइट और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि सिल्वर नाइट्रेट हमारी बॉडी में मौजूद नमक के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देता है जो पानी तो छोड़ो भैया सर्फ एक्सेल से भी ना मिटता, अबे दाग इतने भी अच्छे ना होते। अब उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस इंक में इन चीजों के साथ साथ कुछ स्पेशल एलिमेंट्स को भी डाला जाता है जिसे कभी भी दुनिया के सामने रखा ही नहीं जाता क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे देश की आधी आबादी तो बिकट बावली घास बनकर घूमती है जिनके हाथ अगर ये इंक आ गई तो उंगली तो छोड़ो
हमारे देश की आधी आबादी कोई मिल गया का जादू बनकर घूमेगी, वो भी बिना धूप खाए। तुम नरक में जाओगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडिया ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि कनाडा, नाइजीरिया और बहुत से देशों के लिए भी इस तरीके की स्पेशल इंक को बनाकर तैयार करता है। सच में दमदार। गाइस, जब भी हम अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर अपनी गाड़ी से गेड़ी मारने निकलते हैं तो हमारे दिल, गुर्दे और फेफड़े में सिर्फ यही चीज आती है कि भैया एक बार को तो हमारे चबूतरे टूट जाएं, लेकिन हमसे कोई भी ट्रैफिक नियम ना टूटे। अबे चालान की रकम ही जो इतनी ज्यादा कर रखी है। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने सिर्फ दो दिन के अंदर ही इतने ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़े हैं जितना तो रेसलिंग में अंडरटेकर भाई दूसरे लोगों की हड्डियां नहीं तोड़ पाए। नहीं, कहने को तो मैं खली भाई भी बोल सकता था, लेकिन क्या हो, क्या है ना कि भैया खली भाई रेसलिंग में ज्यादा लंबे टिक ना पाए। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है बरगलाते बेंगलुरु से, जहां पर एक लेडी एक्टिवा राइडर ने सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही इतने ज्यादा चालान कटवा दिए कि जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो ट्रैफिक पुलिस को ये पता चला कि इनके टोटल नंबर ऑफ चालान की पेनल्टी ही 1.36 लाख रुपए है। अबे इतने में तो नया एक्टिवा आ जाएगा, और वो भी शुक्र मनाओ कि दीदी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक नियम ही तोड़े। भैया वो स्त्री है, वो चलने वाले लोगों को भी तोड़ सकती है। हालांकि ये पेनल्टी अब दीदी चुकाएंगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस चीज की वजह से दीदी के नाम एक नया रिकॉर्ड तो हो ही गया है। गाइस, हमारे देश का आधा यूथ खुद को सच्चा देशभक्त प्रूव करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर साल में 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को इंडियन फ्लैग के साथ सोशल मीडिया पर फोटो को पोस्ट करता है। अब उन बावले बच्चों को कौन समझाए कि इसे देशभक्ति नहीं बल्कि दिखावा कहते हैं। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके नंगे बदन को देखने के बाद आपके मुंह से भी सिर्फ यही निकलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर में जन्मे अमित सिंगल की, जो कि जब साल 1976 में पैदा हुए तो उनके पेरेंट्स ने ये देखा कि उनके मखमली शरीर के ऊपर तो एक अजीब सा निशान मौजूद है। अब अमित जैसे जैसे आगे चलकर विकसित होने लगे, उनका ये निशान भी विकसित होने लगा। और एक दिन जब अमित सोकर उठकर नहाने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने मिरर के सामने आईफोन सेल्फी लेने के लिए अपनी शर्ट को निकाला, उन्होंने ये पाया कि ये अजीब सा निशान तो बन चुका है अखंड भारत का मानचित्र। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज को लेकर अमित को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। हालांकि अब बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर की जाए तो ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अमित के साथ ऐसा कैसे हो गया, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और यही चीज कहीं ना कहीं अमित को थोड़ा सा बाकी लोगों से और ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय रेलवे को अपनी संपत्ति समझकर उसके अंदर ठीक वैसे ही घुसते हैं कि मानो वो ट्रेन नहीं बल्कि उनके जीजा जी का होटल हो। जीजा जी का होटल है मात। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी ही संपत्ति में अपनी ही एक फेवरेट चीज शरीर के किसी भी अंग में छुपाकर भी नहीं ले जा सकते। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंडियन रेलवे के ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एक ड्राई कोकोनट को कभी भी अपने लगेज में रखकर ले जा ही नहीं सकते। अब क्या है पूरा माजरा, और अगर बाई चांस हमने इस चीज को कर दिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, चलिए इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सी बार ड्राई कोकोनट के साथ ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने ये काम कर दिया है तो आप बहुत बड़े एक रूल को ब्रेक कर चुके हैं। असल में गाइस, इंडियन रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप ड्राई कोकोनट को कभी भी लगेज के अंदर रखकर नहीं ले जा सकते, और इसके पीछे का एकमात्र सबसे बड़ा कारण ड्राई कोकोनट का कंपोजिशन और उसके अंदर मौजूद ऑयल है। असल में गाइस, ड्राई कोकोनट इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में काफी ज्यादा ऊपर आता है, जिसके चलते हुए ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि बिना इग्निशन के भी आसानी से जल सकता है। अब इस केस में क्योंकि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव फ्रूट होता है और इसके अंदर ऑयल भी मौजूद होता है, तो अगर बाई चांस ये काम ट्रेवलिंग के दौरान हो गया तो इससे ना सिर्फ आप बल्कि आसपास के लोग भी काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। जिसके चलते हुए इंडिया टुडे और डीएनए हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार आप कभी भी ड्राई कोकोनट को ट्रेन के अंदर ट्रेवलिंग के दौरान नहीं ले जा सकते। हालांकि ये गाइडलाइंस ये भी कहती है कि इन तरीके के प्रोडक्ट्स को खुले एनवायरमेंट यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बेचा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप पर पानी वाला कोकोनट है या फिर टेंडर कोकोनट है तो आप उस कंडीशन में उन दोनों को ही कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होते। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ये बोल रहे होंगे कि भैया हमने तो हजारों बार ड्राई कोकोनट के साथ ट्रेवल किया है, हमारे साथ तो कोई यहां भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस केस में ना करे ऊपर वाला, पर अगर कुछ भी गलत हो जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि उस इंसिडेंट का सोर्स आपका ड्राई कोकोनट ही था, और क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आप इस चीज को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में भैया कुछ ज्यादा ही लंबा अंदर हमें जाना पड़ सकता है। तो गाइस, मेरी तो आपसे यही सलाह है कि इस टेंशन आती जिंदगी में वैसे के टेंशन हमारे दिमाग में कम है जो सूखे नारियल जैसी चीज को लेकर और
टेंशन पाल लें। आखिर अमीर लोग अपने फोन के पीछे बैक कवर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जस्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो जब भी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके पीछे कभी भी कवर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर आखिर ऐसे में अभी सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया जब हम एक नए फोन को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उस फोन से पहले तो हम बावले होकर उसके कवर को खरीदते हैं कि हमारे मखमली फोन डैमेज ना हो जाए। लेकिन आखिर बात अगर इन सेलिब्रिटीज की या बड़े बड़े बिजनेसमैन की जाए तो ये अपने फोन को हमेशा ही कवरलेस इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि एक्स्ट्रा पैसे कमाना है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग भी करोड़ों में या फिर अरबों में होती है। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी बड़ी कंपनी अपने किसी भी नए फोन को लॉन्च करती है तो वो इनमें से बहुत से लोगों के सामने ये ऑफर रखती है कि अगर वो उनके फोन का इस्तेमाल बिना कवर के करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो कंपनी इन लोगों को एक अच्छी खासी मोटी रकम देगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इन बड़ी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी ये पता होता है कि क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों को आइडियल मानकर फॉलो करते हैं, तो अगर ये लोग पब्लिक प्लेसेस पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे तो बहुत से लोग तो उस फोन को सिर्फ इसलिए खरीद लेंगे क्योंकि वो फोन उनका फेवरेट आइडियल बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटी यूज करता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी एप्पल अपने नए आईफोन को मार्केट में लॉन्च करता है तो लॉन्चिंग के दिन या फिर उससे पहले भी ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उस नए मॉडल के साथ सेल्फीज या फिर फोटोज को शेयर करने लगते हैं। रीजन बिल्कुल ही साफ है कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो एक तो कंपनी बहुत बड़े स्केल में अपनी मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कर लेगी और भोले भाले लोगों को ये पता तक नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये एक पेड प्रमोशन है। बट ये चीज इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्केल पर होती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर बिजनेसमैन हमेशा ही कवर को हटाकर अपने फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।